घर में बरकत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े बूढ़े कहते थे कि घर में आपके बरकत होनी चाहिए, थोड़ा सा सामान लाओ तब भी वह पूरा पड़ना चाहिए। घर में खाने का सामान अगर बच के वेस्ट हो जाता है, सड़ रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फल आते हैं, सड़ जाते हैं, लागत नहीं होती। घर में खाना आता है, कोई आया नहीं आपके घर में मेहमान, और कई चीजों से हमारे घर में वेस्टेज होती है। बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं और वो यूज नहीं होती, पड़ी रहती है। बिजनेस में नुकसान हो रहे होते हैं, जॉब एकदम डावाडोल हो रही होती है, तो इसको कहते हैं कि घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है और बरकत नहीं है। तो मैं लाइव वास्तु में आपको फिर से कुछ चार चीजों के बारे में बताने लगा हूं। जी, वो चार चीजें आपके घर में होनी चाहिए, तो मानिए आपके घर में 40 या 400 चीजें अपने आप आने लगेंगी, अच्छी वाली, जिससे घर में बरकत आएगी और आप संभालेंगे उसको और एकदम अच्छे से लाइफ जिएंगे। सबसे पहली चीज, आपके घर में हल्दी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके किचन की ही वस्तु है, आपके मंदिर में भी यूज होती है, तो आपने क्या करना है, साबुत हल्दी अपने किचन में जरूर रखनी है और खूब सारी रखनी है। यानी कि एक डिब्बा भर के, 2-4 मुट्ठी भर के वह हल्दी पड़ी हुई होनी चाहिए। अक्सर तो आप पैकेट वाली पिसी हुई हल्दी लेते होंगे, उसके बावजूद भी आप थोड़ी सी हल्दी अगर अपने घर की किचन में, अपने घर के मंदिर में रखते हैं, तो आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि हल्दी बहुत पवित्र होती है और देवी देवता खुश रहते हैं। जहां पर भी हल्दी होती है, एंजल्स, देवी देवता, जितने भी हमारे भगवान हैं, जितने भी हमारे इष्ट हैं, सब प्रसन्न रहते हैं। हल्दी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होती है। मैरिज से पहले भी तो दूल्हा और दुल्हन दोनों को हल्दी लगती है। कितना प्रयोग है हल्दी का, आप तो उपटन में भी हल्दी लगाते होंगे, आजकल तो बॉयज भी यूज करते हैं, बहुत सारे फेस पैक्स यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हल्दी का पाउडर, हल्दी की गांठ मंदिर में, अपनी किचन में, अपने कॉस्मेटिक्स में जरूर रखिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु की। दूसरी वस्तु है एकदम शुद्ध कपूर। शुद्ध कपूर अगर आपके मंदिर में है, आपके दवाखाने में है, आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है, तो मानिए भगवान शिव का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो आप संभाल ही नहीं पाएंगे। इतनी खुशियां मिलेंगी कि आप कहेंगे कि इन खुशियों को हमने बांटना है। तो मेरी एक फिलॉसफी यह भी है कि खुशियों को बटोरना है और खुशियों को बांटना है। तो जितनी आप बटोर सकते हैं बटोरिए, और जितना बांट सकते हैं बांटिए। शुद्ध कपूर अगर आपके घर के मंदिर में है, आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है, कहीं ना कहीं उसका एरोमा कीजिए, भगवान शिव को अर्पित कीजिए। शुद्ध कपूर भी आपके घर में खत्म नहीं होना चाहिए, एक डब्बी स्टॉक में रखिए। टिकिया वाला कपूर अक्सर थोड़ा सा डुप्लीकेट सा होता है, पेट्रोलियम जेली मिली हुई होती है उसमें, तो आप दवा वाला शुद्ध कपूर अपने घर में रखें। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सफेद रंग का यह जो कर्पूर होता है आपके घर में पीस, प्रॉस्पेरिटी, इतनी अच्छी शांति लेकर के आता है कि आप सारे संताप भूल जाते हैं, परेशानियां भूल जाते हैं, और भगवान शिव की इतनी कृपा होती है कि आप प्रॉस्पेरिटी से लाइफ को लीड करते हैं। तो दूसरी वस्तु भी मैंने बताई कि कर्पूर आपके घर में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरी वस्तु भी है और चौथी वस्तु भी है, तो हम बात करते हैं तीसरी वस्तु की। तीसरी वस्तु है जल। जल तो आप कहेंगे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता, जब भी टैप चलाते हैं हमें मिल जाता है, तो अच्छी बात है, हो सकता है कि आपके घर में भरपूर जल की मात्रा हो, लेकिन जल में भगवान का वास होता है। जल से बड़े बड़े ऋषि और मुनि आपको आशीर्वाद भी देते थे, आपको श्राप भी मिलते थे। आपसे मतलब है कि हम सब लोगों को जल की बहुत आवश्यकता है, इसके होने से घर में प्रॉस्पेरिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं आपके मंदिर में एक जल का लोटा, फ्रेश लोटा, हमेशा सुबह से अगली सुबह तक भरा रहना चाहिए और फिर उसे तुरंत आपको भर देना चाहिए।
नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई फाउंटेन होना चाहिए जो आपका जल जो है वहां से प्रवाह होता रहे, एक एंटिटी है। इस तरीके से जल के कई माध्यम आपके घर में होने चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसको स्टोर करके रखना भी थोड़ा बहुत बहुत जरूरत होता है, बहुत जरूरी है। पानी की कुछ बॉटल्स आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए कि कभी आपको बस पीने का पानी है तो वो आप उठा करके पी भी सकते हैं। यहाँ का पानी एनर्जाइज भी हो जाता है, मैग्नेटाइज भी हो जाता है, तो हेल्दी बहुत होता है नॉर्थ ईस्ट का पानी, रख सकते हैं आप यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत पानी नॉर्थ ईस्ट में छोटा मोटा 2-4 लीटर 5 लीटर की स्टोरेज जरूर करके रखिए। तो जहां पे जल होता है, जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में जल होता है थोड़ा सा और शुद्ध जल होता है, वहां तो देवताओं का वास होता ही होता है, वरुण देव वहां पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो आप अपने अंदर पावर लेकर के आइए, क्योंकि जल में भी बहुत पावर होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जल अपना रास्ता खुद बना लेता है। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की, बहुत इंपॉर्टेंट है यह वस्तु और हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट हो, जिसे हम राइस बोलते हैं। खाने में लोग राइस आजकल बहुत सब लोग खाते हैं, जो भी कल्चरल डिफरेंसेस थे वो धीरे 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 लिमिट होते जा रहे हैं, क्योंकि फूड इतना तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन में सबने एक्सपेरिमेंट्स किए कि फूड किस किस तरीके से बनाए, तो चावल अक्षत राइस आपके घर में स्टोर्ड होने चाहिए, कभी खत्म नहीं होने चाहिए। आप देखें कि डिब्बा खाली हो गया गलती से, अच्छा मंगा लेते हैं, कुछ ना कुछ राइस की स्टोरेज आपके घर के मंदिर में, आपके घर के किचन में, आपके घर के खाने के स्टोर में जरूर होनी चाहिए। जहां अक्षत होते हैं, जहां राइस होते हैं, वहां पे प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी होती है। तो आपने इनको अपने घर में संजो के रखना है और बड़े अच्छे से यूज करना है। अच्छे से राइस खाएंगे, ज्यादा घी वाले नहीं खाएंगे, तो राइस बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये तो हेल्थ टिप नहीं दे रहा मैं, लेकिन एक आपको प्रॉस्पेरिटी की बात बता रहा हूं। चार चीजें, टर्मरिक हल्दी कैम्फर वाटर एंड राइस, इन चार चीजों को अगर आप घर में प्यार से रखेंगे, दिमाग से रखेंगे और मन से रखेंगे, तो आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब नाउ for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.